कैसे हो सब, की हाल चाल गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आई नो तुम सब लोग बहुत इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट अटक जाती है, या फिर वो सेंसिटिविटी को लेकर कंफ्यूज है, या फिर जिनका गेम प्ले कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर यूज करते हैं, एंड स्पेशली मैं यूज करता हूँ, जो मुझे लैन इवेंट्स में इतना हेल्प करती है। तो बिल्कुल चाहे आप एक कैजुअल प्लेयर हो, या फिर आप रैंक पुशिंग करते हो, या फिर आपको एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा हर छोटी चीज कितना मैटर करती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में। गाइस, बहुत लोग ये छोटी चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपनी जॉयस्टिक की साइज छोटी रखनी चाहिए, मेरी 60% है, जिससे आपकी मूवमेंट बिना अटके फ्लॉलेसली चले एंड आपका जॉयस्टिक के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। तो गाइस, इतनी फास्ट पेस गेम में एनिमीज को स्पॉट करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जब आपके अपोनेंट्स हेड ग्लिचेस पे कैंप कर रहे होते हैं, या तो वो एक ऐसी पोजीशंस पे होते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम दिखती है। तो इसके लिए गाइस आपको यूज करना चाहिए कस्टम ग्राफिक सेटिंग्स, जो कि हर एक प्रो प्लेयर यूज करता है, एंड लैन पे भी आप कोई भी डिवाइस पे खेलोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी एनिमीज को स्पॉट करने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है जो आप सब खेलते हो, और देखिए बंदे कितने डल दिखते हैं। और जैसे ही मैं सेटिंग्स में जाऊंगा ऑडियो एंड ग्राफिक्स में, यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स पे सिलेक्ट करूंगा, सेचुरेशन 70 किया, ब्राइटनेस 80 किया, उसको सेव कीजिए, और स्पेशली यहाँ पे सिंक्रोनाइज टू मल्टीप्लेयर, ये करते ही आप देखिए एनिमीज कितने ब्राइट दिखते हैं, स्क्रीन कितनी ब्राइट दिखती है। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर। रिसेंटली एलिवेट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, उसके एक वीक पहले CDSI जीता, लेकिन एलिवेट के सब प्लेयर्स के बीच एक चीज बड़ी कॉमन है, वो सब जायरो यूज करते हैं। तो गाइस, मैंने भी जायरो ऑन कर लिया और ये है मेरी सेंसी। मैं बस वाइल एडीएस यूज करता हूँ, एंड तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, मैं वाइल एडीएस में भी सिर्फ फायरिंग जायरो यूज करता हूँ कि जब मैं शूट करूँ तभी एडजस्टमेंट करूँ अपनी गन फाइट्स में। मेरा स्पीड XL150 है, मैं ग्रेजुअली हूँ क्योंकि 5 फिंगर हूँ, ये आप देख सकते हो मेरी स्टैंडर्ड। अगर आपको मेरी जायरो सेंसी चाहिए तो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते ही गाइस मैं अपनी जायरो सेंसी रिवील कर दूंगा, जो कि सूटेबल है फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर। एम तगड़ा करने के लिए गाइस आपको कंसिस्टेंटली एम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको दूंगा एक क्विक एम प्रैक्टिस शेड्यूल जो हम लोग यूज करते हैं, प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं टूर्नामेंट्स के टाइम, जब टाइम की बहुत कमी होती है, इससे आपका एम इम्पॉर्ट बन जाएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग मोड में आके AR को 30 मीटर पे सेट करो, 5 मिनट तक गाइस रिकॉल प्रैक्टिस करो। ये देखो, अगर आप SMG हो तो 20 मीटर पे करके करो, उसके बाद 5 मिनट तक बस आपको डब्बे गिराने हैं गाइस। भाई डब्बे गिराने के बाद तुमको जाना है बॉट साइड करने, स्पीड हाई कीजिए, उसकी मूवमेंट पे स्लाइड जंप पे कीजिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप के बॉट्स लगाइए, और क्लोज के 2 ऐड कीजिए, SMG हो तो 3 और मीडियम के 3, ठीक है, और इसको ट्रेस कीजिए बस। ये देखो, इसके बाद भाई तुमको अपना क्लोज रेंज मास्टर करना है, क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस गेम है। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रेट की जगह सर्कल लगा दो और क्लोज में 5 बॉट ऐड कर दो, ठीक है। अभी देखिए आप, मैं कैसे इनके बीच भाग के अपना हिप फायर अपना क्लोज इन मास्टर करता हूँ। ये देखो, ये बॉट, तुमको अपना हिप और क्लोज इन मास्टर करना है ऐसे बिल्कुल ही। अगर आपको आपका गेम प्ले इंप्रूव करना है CODM में, तो हर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मूवमेंट हो रहा है, साथ में आपका एम भी हो रहा है, साथ में आप शूट भी कर रहे हो, साथ में आप स्लाइड कैंसिल भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स होती है जो आप कर सकते हो। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 3 फिंगर, 4 फिंगर या तो 5 फिंगर भी खेलो, एंड मैं रिसेंटली 5 फिंगर स्विच किया था, मैं अपनी ग्रिप को लेकर बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा गेम प्ले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू कमेंट कि आपको सबसे हेल्पफुल टिप कौन सी लगी। एंड ऑल्सो अगर आपको कम्युनिटी से कनेक्टेड रहना है तो मेक श्योर टू जॉइन माई डिस्कॉर्ड, एंड आपको मेरे सारे सोशल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय बाय।